यीशु 5,000 मन से मल्ला भोजन करवाथे। यीशु हर अपन चेला मल्ला प्रचार करे बर और मनसे मल्ला शिक्षा दे बर बनेच आने आने गांव मल्ला भेजिस। तहां यीशु हर ओ मल्ला झील के दूसर रंग ओकर संग एक ठन शांत जगह मा जाके कुछ समय विश्राम करे बर आमंत्रित करिस। इकर बर ओ मन एक ठन डोंगा मा चढ़ गिन और झील के दूसर अंग चले गिन। लेकिन ओकरा बनेच मन से रहिन जोन मन यीशु और चेला मल्ला डोंगा मा जात देखे रहिन। ई जान के मन से घोले झील के दूसर अंग जाय बर झील के तीर तीर भागिन और ओ मल्ले पहले जा पहुँचिन। जब यीशु और चेला मन पहुँचिन तो मनसे मन के एक ठन बड़खा भीड़ ओ मन के इंतजार करत ओकरा पहले ले रहिन। उ भीड़ मा नारी मन और लैका मन के गिनती ला छोड़ के 5,000 ले अधिक पुरुष रहिन। यीशु हर उ मनसे मन के ऊपर बड़ तरस खाई काबर की यीशु बर उ मनसे उ भेड़ मन के समान रहिन जोन मन के कोनो रखवाला नहीं होई। इकर बर ओहर ओ मन ला शिक्षा दिस और ओ मन के माझा मा जोन मन से बीमार रहिन ओ मन ला चंगा करिस। दिन के आखिर मा चेला मन हर यीशु ले कहिन अब देर होगी से और आसपास मा कोनो नगर नहीं है, ई मनसे मल्ला जान दे ताकि ओ मन जाके खाए बर कुछ ले। लेकिन यीशु हर चेला मन ले कहिस तू मन ओ मन ला खाए बर कुछ द। ओ मन हर उत्तर दिन हमन ई नहीं कर सकन, हमर ठी मात्र 5 रोटी और 2 ठन छोटे मछरी मन है। यीशु हर अपन चेला मन ले कहिस कि ओ मन भीड़ के मनसे मल्ला बन मा 50-50 के धारी मन मा बैठे बर कहें। तहां यीशु हर 5 रोटी और 2 ठन मछरी मल्ला ले के सरग अंग देखिस और उ भोजन बर परमेश्वर ला धन्यवाद दिस। और यीशु रोटी मल्ला टोर टोर के चेला मल्ला देत गिस कि ओ मन मनसे मल्ला बाँटें और ओ मन हर 2 ठन मछरी मन ला घोले उ सब मा बाँट दिन। चेला मन उ भोजन ला बाँटतेच रहिन और ओ हर बिल्कुल खत्म नहीं होइस। ओ मन सब मन से खा के संतुष्ट होगी। ओकर बाद चेला मन हर बचे कुटी मल्ला इकट्ठा करिन जोन बाँच गे रहिस और ओ मन हर कुटी मल्ले भराए 12 टोकरी मल्ला उठाइन। उ पूरा भोजन उ 5 ठन रोटी और 2 ठन मछरी मन ले आए रहिस। मत्ती अध्याय 14:13-21, मरकुस अध्याय 6:31-44, लूका अध्याय 9:10-17, यूहन्ना अध्याय 6:5-15 ले बाइबिल के एक ठन कथा।